हेलो जी, कैसे हो आप सब? सबको मेरी नमस्ते। आज मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ, चने की दाल का हलवा। चने की दाल को मैंने अच्छे से धो के 2 घंटे दूध में भिगो के रखा था। फिर अभी इसको मिक्सर में डाल के अच्छे से इसका दूध के साथ ही पेस्ट बना लेंगे। और एक कढ़ाई में घी गरम करेंगे, घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब जो चने की दाल का दूध का पेस्ट बनाया है उसको इसमें हम डालेंगे अच्छे से। इसको मिक्स करेंगे घी के साथ। अभी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। एक स्टील का छोटा पतीला लेंगे, उसमें 2 कटोरी छोटी चीनी की ऐड करेंगे। अब इसमें इसी कटोरी से हम 4 कटोरी पानी भी डालेंगे। चार कटोरी पानी डाल के इसको हम गैस पे रख देंगे। फिर अब हम इसको गैस पे रख देंगे। 4 इलायची भी डाल देंगे। थोड़ा सा फूड कलर भी इसमें हम डालेंगे ताकि हलवे में थोड़ा कलर आ जाए, इसलिए ऐड करेंगे हम इसको। चीनी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तब गैस बंद कर देना है। सिरप नहीं बनाना हमने, इसको गाढ़ा नहीं करना है। अभी चने को देखेंगे, दाल को भी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। हल्का रेड कलर आने तक इसको भुनाई करेंगे। अच्छे से भुनने लगा, देखो अभी कढ़ाई में अलग अलग हो गया है। अब इसमें हम चीनी वाला घोल डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको थोड़ी देर हल्की आंच पे पकाएंगे। फिर अच्छे से ये गाढ़ा बैटर बन जाएगा। जब फिर थोड़ी सी गैस फास्ट करके इसको हम अच्छे से पकाएंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसमें। अब इसको अच्छे से पकाएंगे फास्ट गैस करके। जब कढ़ाई और हलवा थोड़ा अलग अलग हो जाए कढ़ाई से, तब तैयार है हमारा ये चने की दाल का हलवा गर्मा गर्म। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मैं तैयार है हमारा चने का हलवा। आप ऊपर से ड्राई फ्रूट से डेकोरेशन कर सकते हैं।